नमस्कार सर। नमस्कार। आज आपके क्षेत्र के अंदर एक युवा प्रतिभा है जिनको सम्मानित करने के लिए आपने बुलाया है, जो लेफ्टिनेंट बने हैं फौज के अंदर। जी, कैसी खुशी है सामाजिक कार्यक्रम में आपके? खुशी तो पूरे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि एक डायरेक्ट लेफ्टिनेंट पद पे जो हुआ है, जो वीरों की भूमि है शेरगढ़, यहाँ से फौज में खूब सारे फौजी है, तो पूरे शेरगढ़ के अंदर खुशी की लहर है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? चंपालाल कुमार। चंपालाल जी, अभी जो हाल फिलहाल प्रकाश का लेफ्टिनेंट पद साइन हुआ है, तो ये पहली बार सुना था, तो कैसी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। आप खुद भी सेना में हो, तो कैसे शुरुआत में ग्रामीण? ऐसा है कि हमारे परिवार में जो भी हुआ, तो आज ये पहला अवसर यही है, बाकी ठीक है, छोटी रैंक में भाई हुए ही है कर्नल बगे, पर ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसी मीडिया और मैं हूं सवाई सिंह खारीवेरी। आज हमारे साथ एक भारतीय सेना का जवान लेफ्टिनेंट है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर सेना में जाने के बाद उनका देश के प्रति प्रेम और शुरुआत कैसे हुई, हम इसके बारे में। सबसे पहले इनका आरसी मीडिया चैनल पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। माई सेल्फ प्रकाश कुमावत, अभी रिसेंटली मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ है, और मैं कमीशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी से मैंने जस्ट 8 जून 2024 से पाई है, और अभी मैं छुट्टी पे आ रखा हूँ, तो आप सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट आई थी जिसमें बताया गया कि भाई प्रकाश कुमावत हैं जो हमारे शेरगढ़, जो सूरवीरों की धरती है, सेना में लेफ्टिनेंट बनाए, तो सर्वप्रथम आपने सुना और आपके परिवार वालों ने सुना, तो कैसी खुशी महसूस हुई? काफ़ी खुशी हुई थी, क्योंकि परिवार में पहले से काफ़ी 2-3 सैनिक थे, ऑफिसर कोई भी नहीं था। मैं अपने गांव का और अपने परिवार का पहला ऑफिसर हूं, तो ये सुन के परिवार वालों को तो काफ़ी खुशी हुई थी, मेरे से ज़्यादा खुशी उनको हुई थी, मेरे को भी काफ़ी खुशी हुई थी ये जान के। प्रकाश जी, आपकी शुरुआत कैसे रही, कैसे ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में रहकर आप सेना के मुकाम में पहुँचे? ग्रामीण क्षेत्र में पिताजी और इनकी एजुकेशन हुई थी, और मैं काफ़ी खुशकिस्मत था कि पिताजी के साथ, पापा एयरफोर्स में है तो उनके साथ में रहता था, तो मेरी स्कूलिंग 1st से 5th तक बेंगलोर में हुई थी, और फिर उसके बाद में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज जोधपुर से ही हुआ था, तो बचपन से हमेशा से परिवार वालों को वर्दी पहनते हुए देखा था, तो उसी से काफ़ी मोटिवेशन मिली थी। और दूसरा ये, जब भी स्कूल में था तो NCC, कॉलेज में भी था तो NCC में का पार्ट था, तो हमेशा यूनिफॉर्म के इर्द गिर्द रहने से ही मोटिवेशन मिली थी, और हमेशा से जैसा मैंने पहले भी बताया कि पापा सैनिक थे, तो एक ऑफिसर बनने का हमेशा से चाह थी, इच्छा थी, तो बस उसी को पूरा किया। आपका सेना में जाने का जुनून और भी युवाओं को मोटिवेट करेगा जाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, तो जो भी युवा साथी देख रहे हैं उनको आपका क्या मैसेज है? जो भी युवा साथी देख रहे हैं उनको बस यही मैसेज है कि आप जहाँ पे भी हो, अभी जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो उसमें अच्छा करें। अगर आपका इंटरेस्ट सेना में आने के लिए है तो काफ़ी रास्ते खुले हुए हैं, उनको पहले उनके बारे में पता लगाइए। आजकल ओपन सोर्सेस काफ़ी है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि हाँ भाई फ़ौज में जाना है तो जाना कैसे, और एक गोल बनाइए, एम बनाइए, अपना एक प्लान बनाइए कि उसमें कैसे जाना है, उसके लिए प्रिपरेशन करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे गाँव के आसपास के युवा फ़ौज में आए। प्रकाश जी, जब शुरुआत की थी आपने तो कहीं कठिनाइयाँ भी आई होगी, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं जो 12वीं करने के बाद लगभग रास्ता भटक जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है कि लगातार मेहनत करें और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को आगे दिखाएं कि मैं ये कर सकता हूं, वो लक्ष्य कैसे बनाएं अपना मजबूत? जैसे आपने कठिनाइयों की बात करी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में कठिनाई लिखी है तो आपके जीवन में जीत भी लिखी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के युवा जो रास्ता भटक जाते हैं, तो वो तो यही है कि आप फोकस्ड रहिए, अपना एम है उसको हमेशा याद करते रहिए कि मैंने क्यों शुरू किया था। जैसे अगर अपन किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो 4-6 महीने तैयारी कर लेते हैं, फिर जब सक्सेस नहीं मिलती है या फिर 1-2 एग्जाम फेल हो जाते हैं तो अपन को लगता है कि यार छोड़ देता हूँ, तो हमेशा उस चीज़ को याद करिए कि जब मैं तैयारी करने आया था तो मैंने शुरू क्यों किया था, कोई वजह होगी, तो उसको मोटिवेशन का रूप रखते हुए हमेशा हमेशा उसी चीज़ से प्रेरणा लेते रहें और भटके ना, क्योंकि भटकना तो अब हर कोई भटक सकता है, ये मतलब इनर सेल्फ से आता है कि मुझे करना है ये चीज़, कोई मोटिवेशन से बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि कोई ना भटके, ऐसे तो काफ़ी यूट्यूब चैनल से जो मोटिवेशन दे सकते हैं, बट एक इनर सेल्फ होना चाहिए कि हाँ मुझे मतलब अपना एम हासिल करना है। इसके अलावा जो भी सामाजिक परिवेश है जिसके अंदर आज कुपरताएं अपना बोलबाला ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उसके लिए युवाओं को क्या मैसेज है? आप सेना के अधिकारी भी और एक जागरूकता लाने के लिए युवाओं और पूरे समाज को क्या मैसेज? समाज का यही
समाज और युवाओं को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी मतलब आपके जो जैसे अभी आपने कोई गोल बनाया तो हासिल उस मतलब अपनी जो भी एफर्ट्स है उस गोल की तरफ रखें, ना कि दूसरे समाज में कुछ भी चल रहा है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने मतलब गोल और एम को प्राइम इम्पोर्टेंस रखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? चंपालाल कुमार। चंपालाल जी, अभी जो हाल फिलहाल प्रकाश का लेफ्टिनेंट पद पे साइन हुआ है तो ये पहली बार सुना था तो कैसी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। आप खुद भी सेना में हो तो कैसे शुरुआत में ग्रामीण? ऐसा है कि हमारे परिवार में जो भी हुआ तो आज ये पहला अवसर यही है, बाकी ठीक है छोटी रैंक में भाई हुए ही है कर्नल, पर ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल है ना, ये पहली बार हुआ हमारे समाज, हमको अति खुशी हुई। शुरुआत कैसे हुई, कैसे स्ट्रगल रहा, कितनी तैयारियां करनी पड़ती थी? शुरुआत में तो ऐसा है कि जैसे इनके नाना जी भी फौज में थे, इनके पिताजी भी एयरफोर्स में थे, तो इनको थोड़े से गाइडेंस है ना इनको मिला कि भाई अपने छोटी रैंक में सब है पर डायरेक्ट अफसर अपने को बिंडा है, तो इसने बस यही इसमें लगन रही दिन रात, टारगेट इसका यही रहा बस। अब सामाजिक परिवेश है तो इसके अंदर हर कहीं जगह प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है और इनका भी हौसला बढ़ता है। आज आप यहाँ पर आए हो तो यहाँ का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया रहा, हमारे समाज के लिए प्रोत्साहित किया, सब बच्चे और आगे बढ़ेंगे इसे। जबराराम कुमार। जबराराम जी, आज समाज का कार्यक्रम हुआ, इसके अंदर प्रकाश जी है, इनको भी बुलाया गया, सम्मानित किया गया और भी युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया। एक सामाजिक परिवेश में कार्यक्रम आयोजित करना कितना कठिन होता है? कुमाऊत युवा जागृति संस्थान की तरफ से बालेश्वर में आज समान गाइडेंस समारोह रखा गया, इसमें बच्चों को गाइडेंस कैरियर मिला और उसमें जो नए चेहरे जो जिस पद पे लगे उनको सबको बुलाया या उनको सम्मान मिला और सबका उन्होंने आदर्श जो बूढ़े बुजुर्ग सबों ने उनको मान सम्मान दिया और समाज में खुशी की लहरें जो प्रकाश कुमावत लेफ्टिनेंट जनरल ये एक पूरे समाज में नहीं और सभी समाज में बहुत अच्छा खुशी का माहौल है। ठीक है, ये पहला बंदा है जो डायरेक्ट लगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आज आपके क्षेत्र के अंदर एक युवा प्रतिभा है जिनको सम्मानित करने के लिए आपने बुलाया है जो लेफ्टिनेंट बने हैं फौज के अंदर जी, कैसी खुशी है सामाजिक कार्यक्रम में आपको? खुशी तो पूरे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि एक डायरेक्ट लेफ्टिनेंट पद पे हुआ है जो वीरों की भूमि है शेरगढ़, यहाँ से फौज में खूब सारे फौजी हैं तो पूरे शेरगढ़ के अंदर खुशी की लहर है और आज भी जो यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है देखे उनके अंदर तो एक अलग ही भाव था, तो हमारे अंदर तो जो अवसर बनता है तो भाव आम जन में तो होता ही है लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक है उनके अंदर एक अलग और ही अलग भाव था और पूरे समाज ने इनको अच्छा मान सम्मान दिया। इनको कल इनके घर जाके हमने निमंत्रण दिया था और कल इनके घर पे भी बहुत बड़ा फंक्शन था, इसमें रिश्तेदार परिवार को एक पार्टी थी और बहुत अच्छा मान सम्मान लगा और बहुत खुशी हुई देख के। जो भी युवा साथी हैं जो अपन शेरगढ़ पढ़ने लगे सेना में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आपका संदेश है कि भाई वो सेना में जाए तो तैयारियां कैसे करें क्योंकि अब अग्निवीर जैसी भी योजनाएं कैसी हैं देश में? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रकाश जी भाई साहब ने जो टारगेट बनाया है ये अग्निवीर से तो 100 गुना बेस्ट है। कल हमने इनसे बात की थी तो इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद में आप अगर CDS की डायरेक्ट एग्जाम देते हो उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ऑल दी बेस्ट है और ये अपने पूरे शेरगढ़ के युवाओं के लिए एक उदाहरण बने, अगर युवा अगर ठान ले तो इनकी राह पर अगर चले तो अपने। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमावत है और आज हमने यहाँ पे अपने समाज के कुमावत युवा जागृति संस्था की ओर से कैरियर गाइडेंस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था और अध्यक्ष होने के नाते मैंने प्रकाश जो कि मेरा भांजा ही होता है लेफ्टिनेंट जो बना है अभी नवनियुक्त जिसको एज ए VIP गेस्ट चीफ गेस्ट के तौर पर हमने बुलाया था, जिसके लिए इसीलिए बुलाया जिसका कारण मेन था कि हमारे जो समाज का जो मेन उद्देश्य जो मेन मोटो है वो शिक्षा के प्रति है जिसके लिए प्रकाश से लोग काफ़ी मोटिवेट हुए और इसने उनके करियर के प्रति अच्छी अच्छी बातें बताई और इसको अपना आइडल मानकर
हमारे जो समाज के बच्चे हैं और अदर समाज के जो भी बच्चे हैं इसको अपना मोटिव मानकर आगे हायर पोस्ट पे जाने के लिए।